गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब सारे बच्चों। कल की क्लास में हमने मेल ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर को समझा था, और ठीक है ना, आज हम थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। मैं पहले ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बार फिर से बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और किस तरीके से बेबी का डेवलपमेंट होता है मदर के यूट्रस के अंदर। ओके बेटा, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ में, स्केच ड्रॉ कीजिए। ओके, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं एक बार फिर से स्केच ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि जो रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको समझाने के लिए। ओके, मैं
ये देखिए बेटा, कल मैंने आपको ये स्केच समझाया था, है ना, कल मैंने आपको ये स्केच एक्सप्लेन किया था, ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्केच है, ठीक है ना। ये जो पार्ट है ना बेटा, ये फेलोपियन ट्यूब है। मैंने बाकी सब पार्ट बताते थे, ये ओवेरीज हैं, ये ओवेरियन लिगामेंट है, ये यूट्रस है जो इन्वर्टेड पीयर शेप्ड है, ये सर्विक्स है, सर्विक्स का अंदर का छेद इंटरनल ओस कहलाता है, बाहर का छेद एक्सटर्नल ओस कहलाता है, ये वेजाइना है, ठीक है ना। ये फेलोपियन ट्यूब है जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ओके। अब देखिए बेटा, इसमें ये जो पार्ट है ये इन्फंडिबुलम है और ये पार्ट एम्पुला और ये स्टमक है। ये जो जगह है ना, यहां पर क्या होता है, ओव्यूम और स्पर्म का फ्यूजन होता है। तो हर महीने, किसी महीने इस ओवरी से, किसी महीने इस ओवरी से एक ओव्यूम रिलीज होता है। तो वो ओव्यूम फिम्ब्री के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ओव्यूम सीलिया के द्वारा मूवमेंट करता हुआ यहाँ आ जाता है। तो यहाँ बेटा आ गया ये ओव्यूम, आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको। यहाँ एक ओव्यूम आ गया एम्पुला और स्टमक के बीच में, ठीक है बेटा। और जो स्पर्म्स है वो वेजाइना से एंटर करते हैं, जो सीमन है वो पेनिस के द्वारा वेजाइना में रिलीज किया जाता है। तो जो स्पर्म्स है वो यहां से मूवमेंट करते हुए, ठीक है ना, जो स्पर्म्स हैं वो यहां से मूवमेंट करते हुए ओव्यूम की सर्च में, ओव्यूम की सर्च में जो स्पर्म हैं वो आगे बढ़ते हैं, ओके। ओव्यूम की सर्च में जो स्पर्म है वो मूव करते हैं, इधर भी तो इस जगह उनको ओव्यूम मिल जाता है। तो एम्पुला और स्टमक के बीच में क्या होता है बेटा, ठीक है ना, यहाँ पर एम्पुला और स्टमक का जो एम्पुलरी स्टमक जो जंक्शन है वहां पर ओव्यूम और स्पर्म का फ्यूजन होता है। तो ओव्यूम और स्पर्म के फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मैं यहाँ कुछ टर्म्स लिख देता हूँ, यहां लिख देता हूँ, आपको दिखाई भी देगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब मैं एक और रफ कर रहा हूं, ये देखिए बेटा, यहां ओव्यूम और स्पर्म का फ्यूजन हो गया। अब यहां पर जो पहली सेल बनती है वो जायगोट होता है, क्या होता है, जायगोट, ठीक है। जायगोट में बार बार माइटोटिक सेल डिवीजन होते हैं और इससे एक सेल का क्लंप बन जाता है, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये जो क्लंप है ये 16 से 32 सेल्स का एम्ब्रियो बनता है जिसे हम मोरूला कहते हैं। और 64 जो स्टेज है, जो 64 सेल्स की जो स्टेज है उसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। तो ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज होती है, ये देखिए, ये बेटा स्केच आपको नजर आ रहा है। तो मैंने बताया था कि जो स्पर्म्स होते हैं वो वेजाइना के थ्रू मूव करते हुए और स्पर्म की ओव्यूम की तलाश में, एग की तलाश में चले जाते हैं। और यहां पर एम्पुला और स्टमक के बीच में ओव्यूम और स्पर्म का फ्यूजन होता है। द फ्यूजन ऑफ, डेफिनेशन, अब इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ ओव्यूम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, इससे क्या बनता है, जायगोट बनता है जो पहली डिप्लॉयड सिंगल सेल है, ठीक है ना। अब जायगोट के अंदर बार बार माइटोटिक सेल डिविजन होते हैं, तो इससे एक से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, तो 16 से 32 सेल्स की जो एम्ब्रियो स्टेज होती है उसे हम मोरूला कहते हैं, एम ओ आर यू एल ए, मोरूला कहते हैं। और फिर उसमें और डिवीजन होने से 64 सेल की जो सेल वाली जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसे हम कहते हैं ब्लास्टुला। तो ये जो है ना बेटा, ये क्या है, ब्लास्टुला है, इसे हम ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टुला और ब्लास्टो
इसे हम ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं, जो यहाँ मूव करती हुई आ गई। तो फर्टिलाइजेशन के छठे सातवें दिन क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांट होना शुरू होता है। इम्प्लांट क्या है? द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो टू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ये बच्चों अंदर की जो वॉल है इसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम में ये अब डिप्रेस होता है, अटैच होता है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जब जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन होने के बाद में वहां से न्यूट्रिशन मिलता रहता है और वो एम्ब्रियो ग्रो होता रहता है। तो फर्स्ट मंथ जब पूरा होता है बच्चे उसका, तो फर्स्ट मंथ के बाद में हार्ट बीट आना शुरू हो जाती है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो सोनोग्राफी में यही डायग्नोस करते हैं कि जो प्रेगनेंसी है उसमें हार्ट बीट आना स्टार्ट हो गई है क्या। तो वहां से वो कैलकुलेशन करते हैं कि हाँ भाई अब 8 महीने बाद में बच्चे का डिलीवरी होगी, बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर वो एक एवरेज डेट दे देते हैं कि हाँ भाई इस डेट को बर्थ हो सकता है बच्चे का, ठीक है ना। तो फर्स्ट मंथ में हार्ट बीट आना शुरू हो जाती है, उसको सोनोग्राफी में ऑब्जर्व कर लिया जाता है। जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाते हैं, 3 मंथ की प्रेगनेंसी पूरे होने पर क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर एक डिस्क बन जाती है। उस डिस्क को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ओके, ओके बेटा। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि एंडोमेट्रियम के अंदर एक डिस्क के फॉर्म में होती है। बच्चों जो प्लेसेंटा होता है वो एक टेम्पररी ग्लैंड के रूप में काम करती है, और प्लेसेंटा के द्वारा कई सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा स्पेशली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि फर्दर जो आगे की प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन रखता है प्लेसेंटा, ठीक है। और प्लेसेंटा से एक कोड निकलती है, उसके सेंटर पार्ट से एक कोड निकलती है, जो बच्चा है, जो बेबी है। अब यूट्रस में पड़े बच्चे को हम क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। जो इमैच्योर बेबी है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि द इमैच्योर बेबी इन द मदर्स यूट्रस, मदर के यूट्रस में जो इमैच्योर बेबी है दैट इज कॉल्ड फीटस, उसे हम क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। अब क्या होता है कि प्लेसेंटा के सेंट्रल पार्ट से कोड निकलती है, और वो जो कोड है वो बच्चे की नाभि से, ये जो पेट के ऊपर जो नाभि होती है उससे कनेक्शन रहता है। अब बच्चा क्या फ्लोटिंग करता हुआ कहाँ जाता है? यहाँ आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है तो म्यूकस रिलीज होता है, उस म्यूकस के कारण से जो सर्विक्स है ना यहाँ पर प्लग लग जाता है और ये बंद हो जाता है। जो सर्विक्स है यहाँ प्लग लग जाता है और ये बंद हो जाता है, जो सर्विक्स है वहां प्लग लग जाता है और ये बंद हो जाता है। क्लियर होगी बात आपके? तो अब इस तरीके से जो बच्चा है वो फ्लोटिंग करता है, जो फीटस है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, 3-4 मेम्ब्रेन बन जाती है अलग अलग, जो कि आप 12th में पढ़ेंगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। और वहां पर एक फ्लूड बनता है, एक पानी होता है, एक लिक्विड होता है, उस फ्लूड को हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूड। क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूड। ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं। तो वो बच्चा क्या है, उसमें फ्लोटिंग करता रहता है, फ्लोट करता रहता है, बच्चे को कुशन भी मिलता है, चोट नहीं लगती, इंजरी नहीं होती है। और अब अम्बिलिकल कोड के द्वारा, ठीक है ना, अब फीटस का प्लेसेंटा से जो कनेक्शन है वो अम्बिलिकल कोड के द्वारा है। अब इस अम्बिलिकल कोड और प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है कि बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता रहता है, वेस्ट जो बच्चा जो फीटस है वो जो वेस्ट रिलीज करता है वो अम्बिलिकल कोड से प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज होता है। तो इस तरीके से चलता है, और जो न्यूट्रिशन है वो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोड के थ्रू बच्चे को मिलता रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्लेसेंटा एक टेम्परेरी ग्लैंड का भी काम करती है, काफी सारे टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का रोल भी प्ले करती है, काफी सारे हॉर्मोन्स रिलीज करती है जो कि प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। साथ ही साथ क्या है कि न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराती है डेवलपिंग फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी कराती है।
ठीक है बेटा, तो इस तरीके से तो फर्टिलाइजेशन समझ गए आप, जायगोट भी समझ गए, इम्प्लांटेशन क्या है, द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो टू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा की डेफिनेशन क्या है, प्लेसेंटा इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस ऑफ मदर and it functions as a temporary endocrine gland and releases the many hormones which are essential for the maintenance of the pregnancy and placenta provides the nutrition to the developing fetus. So fetus ko nutrition dene ka kaam karte hain. Ab baat karte hain, ek aur term hai gestation period, ek aur term hai fetus samajh gaye, amniotic fluid samajh gaye aap, ek aur term leta hu main gestation period. gestation period, gestation period कहते हैं pregnancy period को, human being के अंदर, human being के अंदर जो है gestation period बेटा जो है 9 months का, 9 months का, ठीक है ना, या फिर इसे हम कह सकते हैं 280 days या 270 days भी सही है बच्चों, या फिर इसे 40 वीक्स कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, 40 हफ्ते, 40 वीक्स, ठीक है। तो गेस्टेशन पीरियड कहते हैं प्रेगनेंसी पीरियड को, गेस्टेशन पीरियड किसे कहते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड को कहते हैं, ओके बेटा, गेस्टेशन पीरियड इज द प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है ना। और वुमन बींग के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड है, जो प्रसव काल है, वो 9 months का होता है, या 270 days भी सही है, 280 days भी सही है, ठीक है ना, या फिर 40 वीक्स का होता है, ठीक है ना। तो ये गेस्टेशन पीरियड है। इसके बाद में एक और टर्म है, एक और टर्म है, वो है पार्टुरिशन। क्या है, पार्टुरिशन, बच्चों जब डिलीवरी, जब 9 months पूरे हो जाते हैं तो फीटस कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, तो फीटस से इंपल्स जाते हैं, ठीक है ना, तो इंपल्स जाते हैं ब्रेन में, और ब्रेन से ऑर्डर इंपल्स आते हैं, तो इसे हम, इस पूरे रिफ्लेक्स एक्शन को हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फीटस कंप्लीटली डेवलप होने से क्या होता है कि जो मदर का जो यूट्रस वॉल है उनमें लगातार संकुचन होते हैं, लगातार कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, और उसकी वजह से मदर को काफी पेन होता है, इसे हम लेबर पेन कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी निकलता है, जो कि बर्थ हार्मोन होता है, उसके कारण से भी क्या है, यूट्रस के जो कॉन्ट्रेक्शन है, यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो फीटस है, जो बच्चा है, उसको कुछ धक्का लगता है, और धक्का लगने से क्या होता है कि ये जो जगह चौड़ी हो जाती है और बच्चा डिलीवर होके मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है। मदर की बॉडी से बच्चे का बाहर आ जाना, बेबी का डिलीवर हो जाना बाहर, इसे हम क्या कहते हैं, पार्टुरिशन कहते हैं। द डिलीवरी ऑफ द बेबी, द डिलीवरी ऑफ द बेबी outside the mother's body is called parturition. इसे हम क्या कहते हैं, parturition कहते हैं या प्रसव कहते हैं, okay बेटा। तो इतनी सारी terms हैं जो human reproduction से related हैं। तो आप इस sketch को देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक है, मेरे नजर में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, okay बच्चों। तो जो भी आपका डाउट हो वो आप लास्ट में पूछ लेना मेरे से। अब अपन बात करते हैं कि क्या होगा, क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्या होगा जब स्पर्म्स पहुंचेंगे ही नहीं। बेटा 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मतलब जो ये साइक्लिकल चेंजेज है उसका जो साइक्लिक वापस से जो आता है वो 28 या 29 डेज का होता है। जब 28 या 29 डेज पूरे हो जाते हैं तो फिर से नया साइकिल शुरू हो जाता है। तो इस साइकिल के 14th डे को ओव्यूम रिलीज होता है, 14th डे को क्या होता है, ओव्यूम या एग रिलीज होता है ड्यू टू द ओव्यूम, ड्यू टू द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। तो ओव्यूम के रिलीज को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूम के रिलीज को बेटा हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ओव्यूलेशन क्या है, द रिलीज ऑफ ओव्यूम, द रिलीज ऑफ ओव्यूम
इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ज्यादा निकलने से 14th डे को रिलीज होता है, ठीक है ना। अगले 2-3 दिन में, अब ओव्यूम की जो लाइफ है वो 2-3 दिन है, अगर अगले 2-3 दिन के अंदर अगर फर्टिल क्रॉस हो जाता है, मेल और फीमेल के अंदर क्रॉस हो जाता है और स्पर्म वेजाइना के थ्रू ओव्यूम तक पहुंच जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसके कुछ दिन बाद प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। अगर बच्चों क्रॉस नहीं होता है और स्पर्म नहीं जाते हैं तो जो अच्छा इस दौरान क्या होता है, एक चीज और बच्चों, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट डे शुरू होता है तो फर्स्ट से लेकर 5th और 7th डे तक तो ब्लीडिंग होती है, 7th डे से लेकर 13th डे तक क्या यूट्रस की वॉल नहीं बन जाती है जिससे क्या प्रेगनेंसी रह सके, वो कंसीव कर सके, गर्भ धारण कर सके, बच्चे को कंसीव कर सके, है ना। तो यूट्रस की वॉल तैयार हो जाती है, ठीक है ना। तो जब फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में ये जितनी भी तैयारियां हैं, फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में जितनी भी प्रिपरेशन है ये वेस्ट चली जाती है, बेकार चली जाती है, ठीक है ना। 2 या 3 दिन, 17वें 18वें दिन तक क्या होता है कि वेट होता है, फिर वो ओव्यूम, जो ओव्यूम है वो डेड हो जाता है, ओव्यूम डेड हो जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो यूट्रस की वॉल है वो लूज होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और जैसे ही 28th डे पूरा होता है, ठीक है ना, पूरा होने पर क्या है कि यूट्रस की वॉल, उसकी जो लाइनिंग है वो कुरच कुरच कर, ठीक है, साथ में डेड ओव्यूम, डीजनरेटेड ओव्यूम, ये सब ब्लड के साथ में फर्स्ट से लेकर अगले साइकिल के फर्स्ट से लेकर 5th या 7th डे तक रिलीज होते हैं, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। तो जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू होता है तो इससे नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। आगे बात समझ में, तो बच्चों 12 या 13 साल की एज में महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं मेनार्च। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम मेनार्च कहते हैं, ठीक है। और 45 साल की एज में, 45 इयर्स की जो एज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाता है, सीज हो जाता है, पोज हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं मीनोपोज। क्या कहते हैं? मीनोपोज। ठीक है बेटा। तो ये मैंने जो अभी समझाया वो क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फर्टिलाइजेशन नॉट अकर्स, ठीक है ना। ये आपके एनसीईआरटी बुक में ये लाइन दे रखी है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फर्टिलाइजेशन नॉट अकर्स। तो फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में क्या होता है कि जो ओव्यूम है, जो यूटराइन लाइनिंग है, वो सारी डीजनरेट होके ब्लड वेसल्स ब्लड के साथ में फ्लो होती है, पहले से लेकर फर्स्ट से लेकर 5th और 7th डे तक। इसे हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो, ओके बेटा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने को हम कहते हैं मेनार्च, और 45 इयर्स की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है महिलाओं में, तो इसे हम कहते हैं मीनोपोज। अगर किसी महिला में रेगुलर इंटरवल से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, इसका मतलब वो हेल्दी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उनके अंदर, और वो कंसीव करने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी है, ठीक है ना। तो इसका ये साइन होता है। अगर किसी महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो इसका मतलब वो अनहेल्दी है, तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है बेटा। तो मैं रफ कर रहा हूं, अगला टॉपिक लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? बच्चों आप अभी बच्चे हैं, आपको ध्यान नहीं है, लेकिन ये वास्तव में सही है कि कई जो महिला पुरुष होते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बच्चे नहीं होते कई कई साल तक, कईयों के मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से नहीं आते हैं, कईयों में मेल के अंदर स्पर्म की काउंटिंग कम हो जाती है, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन क्या है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ, अगर कोई मेल और फीमेल, अगर मानसिक रूप से, मेंटली,
फिजिकली एंड रिप्रोडक्टिवली अगर हेल्दी है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ इन द टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्थ इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। क्योंकि बच्चों अगर कोई महिला या पुरुष अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसका इफेक्ट उसके हार्मोनल हार्मोन्स पर आएगा, वो इम्बेलेंस हो जाएंगे। अगर कोई सोशली समाज में अच्छी इज्जत नहीं है तो वो स्ट्रेस में रहेगा तो उसके ऊपर दिक्कत आ जाएगी। अगर वो फिजिकली हेल्दी नहीं है तो उनमें स्पर्म काउंट या फिर ऑर्गन का प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो अगर मानसिक रूप से, मेंटली, फिजिकली, सोशली एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनके हेल्दी हैं तो फिर ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। ओके बेटा, अब लेते हैं हम कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, एक तो है कंसीव। कंसीव का मतलब होता है गर्भ धारण करना। क्या करना, गर्भ धारण करना, प्रेगनेंसी का होना, ठीक है ना। सेकेंड लेते हैं हम कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, गर्भ निरोधन। कॉन्ट्रासेप्शन का मीन क्या है बेटा, गर्भ निरोधन, ठीक है। तो काफी सारे ऐसे मेथड्स हैं, ऐसी डिवाइसेज हैं जिनको यूज करके प्रेगनेंसी को होने से रोका जा सकता है, ठीक है ना। काफी सारे ऐसे डिवाइसेज हैं, मैकेनिकल डिवाइसेज हैं, ठीक है ना, जिनको यूज करके दो बच्चों में गैप रखा जा सकता है और प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, रोके रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो गर्भ धारण को रोकना, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं या गर्भ निरोधन कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो इसमें कई सारे मेथड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के कई सारे मेथड्स हैं बच्चों। कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स की बात करूं मैं, सबसे पहले नेचुरल मेथड्स की यदि बात करूं तो सबसे पहला लेते हैं हम रिदम मेथड। क्या लेते हैं, रिदम मेथड। रिदम मेथड क्या है बच्चों, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है फर्स्ट डे से लेकर 14th डे को ओव्यूम रिलीज होता है और 28 या 29 डेज तक रहता है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए आप, फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब स्पर्म अवेलेबल होंगे, जब ओव्यूम अवेलेबल होंगे, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कब ज्यादा रहते हैं, 14th डे से पहले 12, 13 डे तक और 14 डे के बाद में 15, 16, 17 डे तक रिस्क रहता है। तो अगर कोई महिला और पुरुष, कोई मेल और फीमेल 1 से लेकर 10 दिन और 18 से लेकर 28 डेज बीच के, बेटा बीच के जो दिन है 10वें दिन से लेकर 10th डे से लेकर 17 डे तक अगर वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अवॉइड करे, मेल और फीमेल क्रॉस को अवॉइड करे, ठीक है ना, तो फिर प्रेगनेंसी के चांस नहीं रहते हैं, ठीक है ना। वो 10th डे से पहले पहले और 18 डे के बाद में अगर क्रॉस करते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है, प्रेगनेंसी बची रह सकती है, क्योंकि ओव्यूम तो 14 डे को रिलीज होता है, ओव्यूम 2 या 3 दिन के बाद में डेड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिदम मेथड कहते हैं, रिदम मेथड कहते हैं। और इसको ध्यान रखते हुए प्रेगनेंसी को रोके रखा जा सकता है, प्रेगनेंसी को डिले किया जा सकता है। ओके बेटा, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। सेकेंड हम लेते हैं ओरल पिल्स। जनरली क्या होता है बच्चों, ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है वो इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है ना, एम्ब्रियो के इम्प्लांट होने के लिए और प्रेगनेंसी के बने रहने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जरूरी होता है। तो एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो मैंने आपको पहले समझाया था। तो कुछ ओरल पिल्स, कुछ गोलियां आती हैं कुछ ऐसी, है ना, जिनमें हार्मोनल कॉम्पोजिशन होता है।
तो इन गोलियों को लेकर महिलाएं प्रेगनेंसी को लेट कर सकती हैं, डिले कर सकती हैं। इनका कंसेप्ट अलग अलग है। ये गोलियां ओव्यूलेशन को भी रोक लेती हैं, इम्प्लांटेशन को भी रोकती हैं, तो इनका अलग अलग कॉम्पोजिशन है, ठीक है ना। तो ओरल पिल्स लेके, गर्भ निरोधक गोलियां लेके प्रेगनेंसी को डिले किया जा सकता है और उनको अनचाही प्रेगनेंसी को नहीं चाह, अगर नहीं चाह रहे हैं तो वो उसको रोक सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा थर्ड हम लेते हैं इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या है? कुछ सुइयां सी, कुछ नीडल सी आती है, नीडल जैसी स्ट्रक्चर आती है जिनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मुलेशन होता है। तो वो क्या है, अंडर द आर्म, मतलब आर्म पिट पर स्किन के अंदर उसको इम्प्लांट कर देते हैं। फिर क्या है, वो धीरे धीरे ड्रॉप थोड़े थोड़े अमाउंट में क्या है हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो ब्लड के अंदर एक फीडबैक मैकेनिज्म जाता है कि हाँ भाई प्रोजेस्टेरोन अवेलेबल है, एस्ट्रोजन भी अवेलेबल है, तो नेचुरल जो एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है फिर वो रिलीज नहीं होता है। और इसके कारण से क्या होता है कि प्रेगनेंसी होती नहीं है, इम्प्लांटेशन होता नहीं है, ठीक है ना। तो इम्प्लांट्स नाम की जो स्ट्रक्चर्स है उनको यूज लेके कॉन्ट्रासेप्शन को रोका जा सकता है, ठीक है बेटा। तो बेटा मैं आप सबसे ये कहूंगा कि अपन ने कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स कर रहे हैं, रिदम मेथड कर लिया, ओरल पिल्स कर लिया, इम्प्लांट्स कर लिया, तो आज अपन इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर अपन आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, और अपनी क्वेरीज है तो आप पूछ लीजिए।